बाबा ने ना ऐसे किया था कि मम्मा के लिए दुआ करो, मम्मा जल्दी से मर जाए। तो कहा कि जैसे तुम झूठी हो ना, ऐसे तुम्हारी बेटी भी झूठी है। ये जो है मक्का फाते अमल है। ये इतनी साफ सोती थी, आप यकीन करें कि मैं बैठ के सोती थी। बाबा जब किचन में आपका नाश्ता बना रहे थे ना, तो जब चाय में उन्होंने ना अखबार से खोल के कुछ चाय में मिलाया है, मगर धमकियों की कॉल कर रहे हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मैंने अपनी स्टोरी आपसे शेयर की थी तो वो अभी बीच में अधूरी रह गई थी, तो मैं मेरे कुछ व्लॉग्स थे जो मुझे उसको भी अपलोड करके रखा हुआ था, मतलब उसको भी मुझे जो है वो जाहिर सी बात है अपलोड करना था, मतलब बना के रखे हुए थे, तो वो भी मैंने बीच में कंटिन्यू किए, तो इस वजह से मेरी स्टोरी जो है वो अधूरी रह गई थी। तो अब आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई अपनी स्टोरी आप कंप्लीट करें, अपनी स्टोरी कंप्लीट करें। एक्चुअली बात ये है कि मैं स्टोरी कंप्लीट करना भी नहीं चाह रही थी। स्टोरी करने के बाद जो है ना, मैं बहुत डिस्टर्ब भी हुई हूँ काफ़ी, तो इसलिए भी मैं अवॉइड कर रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है, अब ये बात छेड़ी है तो उसको कम्प्लीट तो मुझे करना ही है, तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी स्टोरी जो है वो आपसे मज़ीद जो शेयर करनी है वो मैं आपसे आज शेयर करती हूँ। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि मेरे हस्बैंड जब चले गए थे तो मैं 3 दिन अकेली रही थी, और मैं अपनी बेटी के साथ इतने बड़े घर में अकेली 3 दिन गुजारा टाइम। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था, इसके भाइयों को, किसी को भी नहीं बताया था कि मैं अकेली हूँ। मुझे ये था शुरू से, मेरी आदत रही है कि मैंने हर बात ना अपने ऊपर मतलब अकेले ही मैंने उसको फेस किया, और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मेरे मसलों का पता चले, मैं अपनी कोई बात किसी से शेयर करूं, कुछ भी करूं। तो मैं जहां तक पॉसिबल होता है ना, मैं वो बात अपने तक ही रखती हूं। जब मैं देखती हूँ कि अब पानी सर से ऊपर निकल गया है, तो फिर मैं उस बात को, जब मैं बेबस हो जाती हूँ, तो फिर मैं उस बात को जो है मुझे मजबूरन अपने फैमिली में अपनी अम्मी को बताना पड़ता है कि अब ये बात ये है, तो आप जो है वो अब्बू से बात करें। मैं 3 दिन तक सिर्फ अल्लाह के आगे झुक के रोती रही कि या अल्लाह ये बात यही छुपी रह जाए, किसी को ना पता चले मेरे हालात पे, मेरे मसलों पे पर्दा डाल दे, और ये बंदा इसके दिल में रहम डाल दे और ये खुद ही वापस आ जाए। मैं रोती रही, मैंने सलात होता थी, मतलब जो जो होता है, मैं आपको क्या इबादत गिनवाऊँ, वो दिन मेरे पर कैसे गुजर रहे थे वो मैं ही जानती हूँ। मैं बहुत मुश्किल से, बहुत दुआएं कर करके, जब मैं थक गई, जब मैं बेबस हो गई, तो फिर मैंने रो रो के अपनी अम्मी को कॉल की, और मैंने कहा कि अब जो है ना ये बात है, तो प्लीज अब आप इस बात को देखें, अब्बू से डिस्कस करें, भाइयों से बात करें, और फिर मुझे बताएं। तो अम्मी कह लगी कि तुम्हें 3 दिन हो गए और तुम्हें जो है वो तुमने ये बात क्यों नहीं बताई हम लोगों को, तुम्हें उसी टाइम बतानी चाहिए थी। मैंने कहा अम्मी इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये आ जाएगा, तो ये आया ही नहीं, ना ये मेरा फोन उठा रहा है, मुझे मेरा फोन काट देता था, मेरा फोन कभी मेरा नंबर ब्लॉक कर देता था, तो चेक करने के लिए कि ये घर में है या मुझे फोन कर रही है कि नहीं कर रही, तो ये इस वजह से जो है कभी फोन ऑन कर देता था, तो मतलब यही तमाशा मुस्तकिल चलता रहा। तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद इसको रहम आ जाए और ये वापस आ जाए, तो मैं ये बात किसी को भी कभी ना बताती। लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ, इसके दोस्त मुझे धमकियों की कॉल कर रहे हैं और ये मुझे उल्टे उल्टे लोगों से फोन करवा रहा है, तो प्लीज आप ना अब्बू से बात करें, आप आ जाए। पर मेरा भाई और मेरी अम्मी उसी दिन जो है रवाना हो गए कराची से, और वो लोग नवाबशाह पहुंच गए। अब ये जब पहुंचे हैं, तो फिर मेरी अम्मी ने जो है, अब क्या कहते हैं, उस टाइम तो हमदर्दी करने के लिए मेरे पास सारे आ गए कि भाई वो क्या कहते हैं, तुमने हमें बताना था ना, तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हम तुम्हारा साथ देते, हम ये करते, ये 3 दिन से गायब है, तुमने अपनी अम्मी को बता दिया लेकिन हमें नहीं बताया। भाई मैं आपको कैसे बताऊँ, आप लोग झांके भी तो सही, सामने आपकी मैं सबसे छोटी भाभी इन लोगों की, बच्ची मेरी इतनी छोटी मासूम सी, आप लोग भी तो हमारे घर का अता पता ले रहा कि जब ससुर नहीं है, सास नहीं है, तो हस्बैंड के बड़े भाइयों का फर्ज होता है, बहनों का फर्ज होता है कि वो आपका साथ दें, वो आपकी खैर खबर लें कि आपको पता है कि आपका भाई कितना बिगड़ा हुआ है, तो भाई आप लोग मेरा पता करें ना।
और मैं नहीं चाह रही थी बताना, अब मैंने बता दिया तो मैं देखूं अब क्या होता है। भाई फोन मिला रहे हैं उसको, फोन मिला रहे हैं बड़े वाले भाई जो हैं, उन्होंने उसको फोन मिलाया और कहा कि फौरन घर आओ। इनका फोन उठा लिया फाइनली और आया, और 2 मिनट की बात की, और 2 मिनट की बात करके लड़ झगड़ करके वापस चला गया। उस 2 मिनट की बात में भी अच्छा ये ना मेरे पर फुल टाइम तावीज करा रहा था, ये भी ये बात मैं आपको बताऊं, ये मेरे पर तावीज करा रहा था। मेरी बेटी बहुत छोटी थी तो क्या हुआ कि मैं ना हर वक्त, मुझे सांस की तकलीफ रहने लग गई थी घर में। मैं हर वक्त ना मुझे मैं जब देखो मैं आई दिन हॉस्पिटल जा रही हूँ, इवन कि मेरा ईसीजी चेक हुआ, मेरा ईसीजी निकला तो मेरा ईसीजी भी नॉर्मल आया, बिल्कुल ठीक आया। डॉक्टर कहें कि नहीं तुम्हें सांस नहीं है ये वो, लेकिन मुझे इतनी सांस होती थी आप यकीन करें कि मैं बैठ के सोती थी, मुझे लेट के नींद नहीं आती थी, मैं बैठ के सोती थी। तो ये मुस्तकिल मेरे पास तावीज किए चला जा रहा था, किए जा रहा, मुझे नहीं पता था। जब ये घर में था मैं तब की बात बता रही हूँ। अच्छा मैं घर से बाहर निकलूँ ना मुझे सांस ना हो, मैं घर में आऊँ तो मुझे सांस हो। मैं कहूँ ये चक्कर है क्या कि मैं जब घर में होती हूँ तो मुझे सांस हर वक्त सांस तकलीफ होती है, मुझे बहुत शदीद तकलीफ आने लगी थी। मैं इतनी अपनी तरफ से मेडिसिन खाई जा रही थी, डॉक्टर्स को बता बता के मैं थक गई थी, मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आ रही थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने खुद ही ना सर्च कर करके, पहले पहले स्टार्ट में मैंने एवल ली, लेकिन उस मेरी सांस यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि वो एवल भी मुझ पर असर नहीं करती थी। फिर मैंने मजीद जो है वो हाई डोज मेडिसिन ली और उससे जो है मैं अपने आप को ठीक करती थी, लेकिन वो भी वक्ती आराम आता था, कोई खास आराम नहीं आता था। मेडिसिन खा खा के जब मैं थक गई थी तो फिर क्या हुआ कि बीमार बहुत शदीद, तो फिर हम लोग कराची आए, हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने भी यही कहा कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं तुम ना रेस्ट करो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम ये है वो है, इस वजह से तुम्हें हो रहा है, वरना तुम्हारी रिपोर्ट से सारी नॉर्मल है। फिर वापस आ गए कराची से, बिना काम हो गए वापस आ गए कि अब क्या करूँ। बस बीमारी मेरी उसी तरीके से थी, तो बीमारी में ना इस बंदे ने मेरा बड़ा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मुझे ना खुद नाश्ता करवाता था, मैं जाहिर सी बात है मेरी तो हालत ही ऐसी होती थी कि मैं उठ के अपने लिए नाश्ता बनाऊं या कुछ करूं, पूरी पूरी रात जाग के गुजरती थी मेरी। जब मैं उठती थी तो सांस ले लेके, वो जो जोर जोर से आप सांस लेते हैं, जो तो आपको तकलीफ होती है, वो तकलीफ मेरी मुस्तकिल रहने लग गई थी। तो जब मैं क्या कहते हैं ये नाश्ता, एक दिन क्या हुआ कि ये ना खुद नहीं, फारिया तुम रेस्ट करो, तुम्हारे लिए मैं नाश्ता बनाता हूँ, ये करता हूँ, बाकी काम वालियाँ तो हमारे घर आती थी, लेकिन मैं जरा किचन के मामले में थोड़ा ना वहमी हूँ, मैं जरा खुद अपने हाथ से खाना पीना बनाती हूँ या करती हूँ, तो इसलिए ना मैं खाना वगैरह उनसे नहीं बनवाती थी। तो ये मेरे लिए ना नाश्ता बनाता था और के बाहर से खाना ले आता था, सब कुछ है। तो एक दिन जब इसने मुझे नाश्ता लाके इसने दिया ना, तो मेरी बेटी छोटी सी थी, उसने मुझे कहा मम्मा नाश्ता नहीं करना, नाश्ता नहीं करना। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? चुपके से मैंने से पूछा, ये किचन में जा चुका था या पता नहीं लाउंज में था किधर, तो कहा मम्मा बाबा ना जब आपके लिए नाश्ता बना रहे थे तो मैंने, अब ये लाउंज में खेल रही थी तो उसकी नजर किचन में पड़ी, ओपन किचन था हमारा, तो इसने कहा बाबा जब किचन में आपका नाश्ता बना रहे थे ना, तो जब चाय में उन्होंने ना अखबार से खोल के कुछ चाय में मिलाया है, मतलब छोटी सी बच्ची उसको समझ आ गई कि कुछ गलत हो रहा है, तो मम्मा नाश्ता नहीं करना, नाश्ता नहीं करना। तो मैंने कहा अच्छा, मैं डर गई, मैंने कहा मतलब ये रोज कुछ ना कुछ मुझे पिला रहा है जब भी मेरी इतनी खिदमत हो रही है। तो मैंने कहा नाश्ता नहीं, मैंने कहा मैं नाश्ता नहीं करी, मेरा दिल नहीं करा। कहा करो, मैं तुम्हारे लिए बना के लेकर आऊंगा, करो तुम नाश्ता करो। मैं इतनी परेशान, मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई बड़ी थी, मैंने कहा मैं बाद में कर लूंगी, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं बाद में नाश्ता कर लूंगी। नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे तुम करोगी तो मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा ना, तुम चलो शाबाश मेरे सामने नाश्ता कर लो। करते करते बस मैं क्या करती, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और मैंने चारों कुल वगैरह पढ़ के दिल ही दिल में फूका और मैंने नाश्ता कर लिया। मैंने कहा पता नहीं मुझे कब से पिला रहा है, ये क्या चीजें डाल रहा है, बच्ची तो झूठ नहीं बोलेगी ना। फिर इस तरीके से, फिर जब ये घर छोड़ के गया, जब ये इस तरह के काम होने लगे, जब ये घर छोड़ के चला गया, वही मैं जो बता रही हूँ आपको कि जब उसके दौरान जब मैं रोती थी तो मेरी बेटी ने मुझे ये बात भी बताई, कहा मम्मा आपको एक बात बताऊँ, मैं जब स्कूल जाती हूँ ना तो बाबा ने मुझे कहा कि आपको ना आप दुआ करो कि आपकी मम्मा जल्द से जल्द मर जाए, तो फिर मैं ना अब फिर मैं आपके लिए दूसरी मम्मा लेकर आऊंगा, और फिर हम आपको, क्योंकि छोटी थी तो स्कूल जाने में जाहिर सी बात है बच्चे तंग करते हैं, तो ये तंग करती थी कि मम्मा छुट्टी करा दो, ये उठती नहीं थी।
लाजी बात है केजी की बच्ची थी, तो ये ना नहीं उठती थी, तंग करती थी, तो इसने इसको ना इसने लालच दिया कि तुम ना बेटा, आप बच्चों की दुआएं तो अल्लाह ताला कबूल करता है, आप दुआ करो कि आपकी मम्मा जल्द से जल्द मर जाए, मैं आपके लिए दूसरी मम्मा लेकर आऊंगा, फिर पता है हम आपको स्कूल भी नहीं भेजा करेंगे। तो इसको ये कहा, तो ये बात इसने मुझे, मैं उन दिनों जब बहुत डिस्टर्ब थी, रो रही थी, कहा मम्मा बाबा ने ना ऐसे किया था कि मम्मा के लिए दुआ करो, मम्मा जल्दी से मर जाए, तो फिर हम, मैं आपके लिए दूसरी मम्मा लेकर आऊंगा, वो आपको स्कूल भी नहीं भेजेगी। अच्छा, जब इसके भाई भाई सब जमा हुए ना, तो ये बातें मैंने की, तो कहा कि जैसे तुम झूठी हो ना, ऐसे तुम्हारी बेटी भी झूठी है, तुम दोनों झूठी हो। मतलब मैं ये हैरान हो रही थी कि एक बाप कैसे अपनी बेटी को ऐसे बोल सकता है। मतलब चलो, आपको अपनी बीवी से कितनी नफरत क्यों ना हो, औलाद तो औलाद होती है ना। तो कहा कि जैसे तुम झूठी हो, ऐसे तुम्हारी बेटी झूठी है। मैंने कहा इतनी सी बच्ची झूठ नहीं बोलेगी, इतनी सी बच्ची, वो इस इंसान की बेहद लाडली बच्ची थी, जिसको इसने कभी मुड़ के भी नहीं पूछा। तो इसने ना क्या कहते हैं, इसने मेरी कोई बात नहीं मानी और मुझे झुटला के ये 1 सेकंड में गेट खोलता हुआ सब चीखते रह गए, निकल के चला गया। अब ये चला गया, बात को फाइनल कैसे करें, मतलब मम्मी लोग परेशान के भाई ये तो बंदा उठ के चला गया, ये तो सुन ही नहीं रहा, अपने भाई के कहने से ये बड़ी मुश्किल से आया था, तो अब इस बात को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए कि क्या करें, इसका कोई तो हल होगा ना, कोई फैसला करें कि ये सामने आए तो इससे बात की जाए। एनीवेज, फिर क्या हुआ कि ये बहुत दिन लापता रहा और मेरे ससुराल वालों में से किसी ने कुछ भी नहीं किया। इवन के मैं रोती तड़पती रही कि ये किसी तरीके से वापस आ जाए, वापस आ जाए। इसी इन्हीं की एक रिश्तेदार है, वो औरत जो है वो इनकी रिश्तेदार है, उस बंदी का घर जो है ना मुझसे ये समझ लें कि 2 मिनट के फासले पर है। मतलब क्योंकि इनकी पूरी एक गोद बना हुआ है, ओके कहते हैं पूरा एक सर्कल है, उसमें ये सारे रिश्तेदार रहते हैं, उसमें ही वो औरत रहती थी। ऐसे पता है, एक बंदा जो है वो, उसकी बात फैल चुकी, मेरी बात फैल चुकी थी उधर पूरे ससुराल में कि मेरे साथ ये मसला चल रहा है, और मैं रोती हुई थी, मैं इबादत में लगी हुई थी, मैं डिस्टर्ब थी, मेरी अम्मी भी मेरे घर रुकने आई हुई थी मेरी वजह से, बच्ची छोटी थी मेरी और मेरा भाई मेरे साथ था, हम उस घर में रुके हुए थे, तो मैं तो नहीं बाहर निकल के लोगों के घरों घरों में जाके किसी से पूछ सकती हूँ। तो और मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये मेरे इतने करीब रह रहा है, मतलब हमसे छुप के ये उसके घर, क्योंकि रोड से ना पहला घर उस बंदी का पड़ता है, तो उस बंदी के घर ये रह रहा है, और मैं रोए चली जा रही हूँ, रोए चली जा रही हूँ कि कोई इसको ढूंढ के ला दे, मैं लोगों की मिन्नतें कर रही हूँ, उसने इसको पना दी, वो भी बच्चों वाली है, और मैं क्या कहते हैं, मतलब उस बंदी ने मेरे साथ इतना बुरा किया, वो शायद अपनी भांजियों के चक्कर में थी कि इतना बड़ा घर है तो चलो इसको निकलवा के ना मैं अपनी किसी भांजी को इसके साथ फिट करवा दूंगी। तो क्या कहते हैं, उसने इसको, वो रात में ना ये उसके घर आ जाता था, दिन में छुपा रहता था, जब रात को देखता था कि सन्नाटा हो गया तो ये उसके घर में सोता था। अगर मैं ये सोचती हूँ, अगर मेरे साथ मेरे घर में कोई ऐसा बंदा आके रुकता और उसका घर खराब हो रहा होता और वो लोग मुझे जानते, या मैं उस बंदी को जानती कि वो किस नेचर की है, तो मैं सबसे पहले चुपके से उसको कॉल करती और मैं कहती कि तुम्हारा हस्बैंड इधर है तो तुम जल्दी से आ जाओ। तो चलो हम लोग आमने सामने, मैं अम्मी के साथ चली जाती, इसके भाइयों को ले जाती, हम कोई बात कर लेते, लेकिन उस बंदी ने हमें ना किसी को नहीं बताया और ना हमें पता चलना दिया। खैर, जिस इसने मेरे साथ बुरा किया है ना, तो वो अपने अंजाम को भुगत रहे हैं, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत तो नहीं है। मैं अभी भी उसके हस्बैंड के लिए दुआ ही करती हूँ, क्योंकि वो उनकी आंखों की बनाई चली गई है, तो मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला, वो बाल बच्चों वाले हैं तो अल्लाह उनकी जो है वो आंखें, उनकी बनाई वापस आ जाए और सब कुछ है। लेकिन बहरहाल ये जो है मकाफात अमल है, ये आप किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो आपके साथ जरूर रिपीट होता है, आपको रिटर्न मिलता है इस चीज का। वो बंदी जो है इसको रख के बैठी रही, उसको अपने रात में पना देती रही, इसने मुझे एक कॉल नहीं की, चुपके से कर देती एक कॉल, क्या चला जाता। और वो मेरा और मेरी बेटी का रो रो के उस टाइम बुरा हाल होता था, क्योंकि वो अपने बाप के बगैर रह ही नहीं सकती थी, उसको इतनी आदत थी अपने बाप की कि वो उसके बगैर नहीं रहती थी, वो बाबा कहती थी, मम्मा बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे, उसके वो सवाल जो थे ना वो मुझे बहुत रुलाते थे। मैंने बहुत टफ टाइम देखा है, मतलब बहुत ज्यादा टफ टाइम देखा है मैंने।
एनीवेज फिर मतलब भाइयों को मैंने देखा कि उन्होंने वो उस दिन जमा हुआ है जिस दिन मेरी मम्मी आई, मेरा भाई आया, उसके बाद से भाई सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। किसी को कोई फिक्र नहीं थी कि मैं किस हाल में रह रही हूँ, या मुझे किसी चीज की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे खाना पीना चाहिए। मैं पका नहीं सकती थी, मैं मेरी वो कंडीशन नहीं थी, मैं बिल्कुल एक सांस की मरीज। मैं ऊपर से फिर मेरी क्या कहते हैं डिप्रेशन टेंशन से मेरी हालत बुरी। मैंने नींद की मेडिसिन भी उस टाइम स्टार्ट कर दी थी। मैं अपने आप को ना सुकून देने के लिए नींद की मेडिसिन खाना स्टार्ट हो गई थी कि लेकिन मैं कितना सोती, मुझे बच्ची को भी तो देखना था ना अपनी, मुझे इसके लिए भी भाग दौड़ करनी होती थी। मैं उठ के फिर 10 लोगों को फोन मिलाती थी कि शायद वहां से मिल जाए, शायद वहां से मिल जाए, शायद ये वहां से मिल जाए, इसको मैसेजेस करती थी। 50-50 दिन में मैसेजेस करती थी। मैं कहती थी अच्छा चलो मेरा कोई कसूर है तो मैं माफी मांगती हूँ, आप वापस आ जाओ, आप घर आ जाओ। लेकिन ये मैसेज पढ़ता भी नहीं था, और मैसेज के पढ़ता भी होगा तो ये मुझे रिप्लाई क्या करना था इसने। मैं कॉल करती थी तो फोन काट देता था। मैंने कहा शायद ये कभी ब्लॉक से हटाए मुझे तो मेरे मैसेजेस पढ़े, शायद इसको रहम आ जाए तो ये मुझे इसका रिप्लाई दे दे। लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबकी लाइफ जो है वो उसी तरीके से चलती रही चलती रही चलती रही। बीच में मेरी जनाब नंदों के बड़े किरदार है इसमें। मेरी नंदों ने जो मेरे साथ किया, जिनमें से अब अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, काफी सारी जो है वो अपने अंजाम को भी पहुंची है। क्या कहते हैं, बहुत बुरा बहुत बुरा। इन लोगों का वहां से मैं वापस आई हूँ ना, अच्छा सिर्फ मैं वापस नहीं आई हूँ, मैं आपको बताऊं कि मैं बर्बाद होकर आई हूँ। नहीं सिर्फ मैं बर्बाद होकर नहीं आई हूँ, मेरे बाद मेरी एक और जेठानी थी, उस बेचारी को औलाद नहीं थी, उस बेचारी को भी इन लोगों ने डाइवोर्स दे दी। मुझसे जो बड़े वाले छठे नंबर वाले जेठ हैं उनकी बात बता रही हूँ आपको, उन्होंने भी अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दी। फिर जो उनसे बड़ी वाली थी, मैं सातवें छठे हाँ पांचवें नंबर वाली, तो उनके जो हस्बैंड है उन्होंने किए कारनामा अंजाम दिया कि उन्होंने शादी कर ली। उनके होते हुए उन बेचारी उनको भी औलाद नहीं थी तो उन्होंने छुपके से शादी कर ली, उनको बताया तक नहीं, और सारी जिंदगी उनको टेंशन देते आए। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे मेरे वो जेठ, तो अल्लाह उन अब उनके मतलब सिर्फ मैं जिक्र कर रही हूँ, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे कॉल जरूर की और मुझसे बात भी की। मैंने उनकी तबीयत पूछने के लिए फोन किया तो वो बहुत उनसे सही बात नहीं हो रही थी, लेकिन उनके यही अल्फाज मुझे याद आ रहे थे कि फारिया हमें माफ कर देना, हमने एक ही साथ खाया है, एक ही बर्तन में खाया है और एक ही प्लेट में, एक ही छत के नीचे हम रहे हैं, तो हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया ना, मैं पहले ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, बाद में मैंने अपना घर बनाया था। तो वो रो रहे थे ये बात करते हुए, तो मैंने उनसे कहा आप प्लीज आपकी तबीयत सही नहीं, आप ये बातें ना करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको देखने आऊंगी, मैं आपको मिलने आऊंगी, आपकी तबीयत पूछने आऊंगी, तो आप प्लीज इस तरह की बातें ना करें। सर मतलब ये बता रही हूँ कि ये सारे ही ऐसे हैं, ये सारे भाई ऐसे हैं, किसी ने मेरे लिए कोई भाग दौड़ नहीं की। क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ मैं इज्जत में आई हुई थी ना, उस टाइम तो मेरी ये तो बाकी सब तो बाद में सब हुआ है। तो क्या कहते हैं, मेरी नंदों ने जनाब बड़ी प्लानिंग्स करके रखी हुई थी, बहुत ज्यादा प्लानिंग्स की हुई थी मेरे लिए। मेरे साथ क्या कहते हैं, एक तो मेरा साथ नहीं दिया, मेरे घर मुड़ के भी नहीं आई, और उसके दौरान जो है ना, अब मुझे असल में वो बातें 6 साल हो गए हैं, तो वो बातें भी मेरे जहन से निकलती जा रही है। मैं जो बात कर रही हूँ तो बात से बात मुझे याद आ रही है। फिर मेरी एक मैम ने ना प्लान क्या बनाया, वो पेशावर में रहती थी, उनकी कोरोना से डेथ नहीं, सॉरी बड़ी वाली की कोरोना से डेथ हुई है, तो उनकी वो बहुत बीमार हो गई, उनकी डेथ हो गई है। अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे, उनकी भी मगफरत करे। उन्होंने उनकी 2 बेटियां हैं, जो खुद बेटियों वाली है, तो वो मेरे हस्बैंड को कहती है कि ना छोड़ दो इसको, कौन सा इसने बेटा पैदा करके दिया है, बेटी ही पैदा की है ना, तो छोड़ दो इसको। तो मेरी जो जिठानी है ना, तो उसने मुझे ये बात बताई, उसने कहा कि तौबा अस्तग़फार, जब ये बात कर रही थी तो मेरी बड़ी वाली जिठानी ने बोला कि देखो जरा ये कैसे बात करी है, खुद भी तो 2 बेटियों की माँ है, इसको कौन सा अल्लाह ने बेटा दिया जो ये तुम्हारे बारे में इस तरीके से बात करी है। मतलब मेरे ये अपनी अम्मी के घर आई थी मेरी नन, और मेरे हस्बैंड वहां गए हुए थे, तो वहां पे कह रही थी कि इसको छोड़ दो और बच्ची हम रख लेते हैं, इसको छोड़ दो, इसने कौन सा तुम्हें बेटा पैदा करके दिया है। तो इस तरह से ना ये लोग मुस्तकिल, ये लोग काफी टाइम से प्लानिंग में चल रहे थे, प्लानिंग किए चले जा रहे थे, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। अच्छा मैं इतनी बेवकूफ हूँ
वो मेरा घर चढ़वाने के लिए आई थी पेशावर से। मैंने उनकी जनाब दावत जब आती थी तो जब मैं ज्वाइंट फैमिली में थी तो दिन रात मैं खाने बनाती थी उनके लिए, उनकी फरमाइशी खाने उनके बच्चों के लिए। जब वो जाने लगती थी तो उनकी बेटियों के सूट, उनके सूट, उनके जनाब गिफ्ट वगैरह उनके, मैं जाती थी खरीदती थी। मतलब सिर्फ मेरी, मतलब मैं खाली अकेले नहीं करती थी, हम सारी बहनों का काम था कि जनाब हमारी नन्हे आई हैं छुट्टियां गुजारने, अब वो जा रही हैं तो अब हमारे ऊपर ये फर्ज है कि अब वो जब जा रही हैं तो हम उनको सूट भी गिफ्ट करें, हम उनकी बेटियों को भी सूट गिफ्ट करें, हम उनको मिठाई के डब्बे भी यहाँ से लेके दें, हम उनकी टिकट्स भी करवाएं। क्योंकि एक मेरी नन मुल्तान में रहती थी रहती है और एक पेशावर वाली है जो, और एक कराची में रहती है और दो जो है वो नवाबशाह में। तो मैं जनाब ये मेरा घर तोड़ने में लगी हुई थी और मुझे इस बात की समझ नहीं थी मेरी जेठानियां उस टाइम, क्योंकि हम जेठानियों में हमारी आपस में ये कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा थी तो हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि हम इन जाहिल खानदान में फंस चुके थे, जाहिल लोगों में हम फंसे हुए थे, तो हम आपस हम सब भुगत रही थी अपनी अपनी जगह, तो इसलिए हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो उसने मुझे, मैंने जब इनकी दावत की ना तो मैं सबसे पहले गई मार्केट और मैं इनके लिए और इनकी बेटियों के लिए सूट खरीद के लेकर आई कि ना इनको दावत कर रही हूँ तो इनको गिफ्ट करूंगी सूट, और जब ये जाएंगे तो फिर साथ मिठाई का डब्बा और जो जो हमसे हो सकता है, अगर गर्मियों में आती थी तो आम का सीजन है तो पेटियां लेके हम इनको गिफ्ट कर रहे हैं। मैं जनाब इनकी शॉपिंग कर कर आई और मैंने खुशी खुशी इनकी दावत की, और दावत करने के बाद जो है मैंने इनको सूट वगैरह गिफ्ट किया सब कुछ है। तो अगले दिन मेरी जिठानी ने मुझे कहा बहुत बड़ी बेवकूफ है। तो मैंने कहा वो कैसे? कहा वो आपका घर तोड़ने में लगी है, आप उनकी दावत करिए। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहा ये बात हुई है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये ऐसी बात कर सकती हैं। तो कहा कि हाँ, फिर आप बेशक बड़ी वाली भाभी से पूछ लें। उन्होंने फिर मुझे यही कहा कि देखो इसकी अपनी दो बेटियां और ये जो है ये तुम्हारा घर तोड़वाने में लगी हुई है, कि मतलब कौन सा उसके बेटा पैदा किया है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको।